हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमलाइन देख लें हम। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कैल्कोलिथिक कल्चर्स की, जो हमने कहा था कि 1800 BCE से शुरू होते हैं, लगभग 1000 BCE तक जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इट प्रीडेट्स कैल्कोलिथिक कल्चर। ये इससे पहले आती है, जब एंड कॉन्ट्राडिक्टरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ब्रॉन्ज का यूज़ देखते हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली कॉपर के बाद आया। 1800 BCE में जब कॉपर स्टोन एज शुरू हुई, तो उसके बहुत बाद जाके ब्रॉन्ज की यूज़ शुरू हुई। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज का यूज़ शुरू हो गया था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडेट्स दी कैल्कोलिथिक कल्चर। तो ये चीज़ आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी स्ट्रेस करके बताई थी, इसमें भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो टाइमलाइन पे शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2900 BCE टू 1700 BCE इसकी ब्रॉड टाइमलाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको हम क्लासिफाई करते हैं अर्ली हड़प्पन फेज में, 2900 टू 2500 BCE, जिसमें कहते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कि अर्बन फेज आना शुरू हो रहा था। फिर हम कहते हैं मच्योर हड़प्पन फेज, 2500 टू 2000 BCE, जिसमें फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन थी और अर्बन फेज अपनी फुल ग्लोरी में मैनिफेस्ट हुआ था इस फेज में। फिर हम कहते हैं लेट हड़प्पन फेज, 2000 टू 1700 BCE, ये पोस्ट अर्बन फेज था, जहाँ पे सिटीज डिक्लाइन करना शुरू हो गई थी। अगर हम कहीं पे कहते हैं हड़प्पन कल्चर, अगर आप किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ो जहाँ पे अर्ली मच्योर लेट नहीं लिखा हो, सिर्फ हड़प्पन कल्चर लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट वो इसकी बात कर रहा है, मच्योर हड़प्पन फेज की, क्योंकि यहाँ पे अर्बन फेज या इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इट्स फुल ग्लोरी मैनिफेस्ट हुआ था। तो हड़प्पन कल्चर, द टर्म बाय डिफॉल्ट रेफर्स टू द मच्योर हड़प्पन फेज। तो टाइमलाइन के बाद आगे देखते हैं हम ज्योग्राफी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या थी। तो इंडस रिवर एंड द घग्गर हाकरा रिवर इन वॉट इज नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडस रिवर एंड घग्गर हाकरा रिवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। द सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम मंडा इन जम्मू इन द नॉर्थ, हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री है मंडा, दैमाबाद इन द साउथ ये सदर्न बाउंड्री है, आलमगीरपुर इन वेस्टर्न यूपी ये ईस्टर्न बाउंड्री है, आलमगीरपुर यहाँ अगर पड़ा तो ये ईस्टर्न बाउंड्री हुई, एंड सुटका गेंडर इन बलूचिस्तान इन द वेस्ट, ये यहाँ पे। तो आपके पास चारों बाउंड्रीज आ गई आपके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसका मैप है, ये मैप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को इमेजिन करने में हेल्प करेगा। मेजर सिटीज़ यहाँ पे मार्क्ड हैं, लोथल, चन्नूदारो, कोट दिजी, मोहिंजोदारो, मेहरगढ़, हड़प्पा और कालीबंगन, आलमगीरपुर हमने अभी देखा, रोपड़ पंजाब में। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, ये साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मैप अगर आपके दिमाग में रहेगा तो इट इज़ रियली बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री में जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। आप चीज़ें रिलेट करना शुरू कर पाओगे अगर आपको आपका दिमाग इमेजिन कर पाएगा कि चीज़ें कहाँ हो रही हैं। तो आगे देखते हैं साइट्स। नियरली 1500 साइट्स आर नोन सो फार इन द सब कॉन्टिनेंट, मोस्ट ऑफ देम आर लेट हड़प्पन पोस्ट अर्बन साइट्स, कि मजॉरिटी साइट्स जो हमने अभी तक एक्सकवेट करी हैं वो लेट हड़प्पन पीरियड को बिलोंग करती हैं।
The number of sites belonging to mature phase is limited. Only a few of them are regarded as cities. कि कुछ sites ही मिली हैं, उन कुछ sites में भी हम selected number of sites को ही कह सकते हैं कि ये अपने ज़माने में शहर थे, cities थी. Civilization cities से बनती है, villages से नहीं. तो civilization, जो हड़प्पन culture, हड़प्पन civilization, इन cities का एक manifestation है. हमने calculothic culture में देखा था, न्यूलिथिक कल्चर में देखा पहले कि धीरे धीरे लोगों ने सेटल्ड लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया. कैल्कुलिथिक में देखा कि विलेजेस, प्रिमिटिव विलेजेस फॉर्म हो गए. इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि सिटीज हैं. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहिंजोदारो इन सिंध. मोहिंजोदारो मतलब माउंट ऑफ द डेड, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो मच्योर फेस को बिलोंग करती हैं. तो आपने इन दोनों का तो नाम सुना ही होगा, ये दोनों सिनोनिमस हैं विद इंडस वैली सिविलाइजेशन. इनके अलावा जो सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मच्योर फेज में हमें पाई गई, वो एक तो चनुदारो इन सिंध हमने देखा था मैप में, लोथल इन गुजरात एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कम्बे या गल्फ ऑफ खम्बत जिसको कहते हैं, कालीबंगन इन नॉर्दर्न राजस्थान, ये भी हमने मैप पे देखा. कालीबंगन का लिटरल मीनिंग है ब्लैक बैंगल्स, काली एंड बंगन, काली मीन्स ब्लैक, बंगन बैंगल्स. एक और शहर है बनावली इन हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. बोथ बनावली एंड कालीबंगन सॉ टू फेजेस, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन. ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी सुना था अगर आपको याद हो, कि कालीबंगन और बनावली में जो एक्सकवेशन हुई है वहाँ पे हमें न्यूलिथिक कैल्कुलिथिक ईरा की भी रिमेन्स मिली हैं और हड़प्पन रिमेन्स भी मिली हैं. तो हम कह रहे हैं कि प्री हड़प्पन रिमेन्स भी हैं, कि कुछ ऐसी रिमेन्स हमें, कुछ ऐसी एक्सकवेशन हुई है जो 2900 BCE को प्री डेट करती है, और हड़प्पन रिमेन्स भी मिली हैं. तो ये पॉइंट आप याद रखिए, दोनों बनावली और कालीबंगन. सुटका गेंदोर एंड सुरकोटोड़ा, ये दो और सिटीज थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मच्योर फेज को बिलोंग करती थी. लेटर हड़प्पन साइट्स हमें क्या मिली हैं, रंगपुर और रोजडी इन कठियावाड़ पेनिनसुला इन गुजरात. ये भी अगर आप देखें तो हमने मैप में ये दोनों शहर भी देखे थे, रंगपुर. तो मैप अगर आपको याद रहेगा तो इट बिकम्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड. ढोलावीरा लाइंग इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात शोज हड़प्पन फोर्टिफिकेशन एंड ऑल थ्री फेजेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन एंड लेटर फेज जब सिटीज डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी. कहाँ पे, ढोलावीरा में. आपने नाम सुना होगा ढोलावीरा का, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं गुजरात टूरिज्म के लिए, तो उसमें ढोलावीरा में भी उन्होंने थोड़ा कुछ कैप्चर किया अपनी एडवर्टाइजमेंट में, ढोलावीरा के बारे में बात करते हैं. तो जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स एंड माइंड ओपन, चलते फिरते आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी विच रियली रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड. और इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनता है ना, कि आप ग्रुप में बैठे हैं एंड टीवी पे कुछ ढोलावीरा के बारे में आ रहा है, एंड देन नन ऑफ द अदर पीपल वुड नो कि ढोलावीरा क्या है, आपको पता होगा. तो दिस इज़ हाउ योर इंटरेस्ट इज जेनरेटेड इन हाईली अकेडमिक सब्जेक्ट्स ऑफ द UPSC एग्जाम. तो ध्यान देते रहिए, आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी ऐसे ही. राखीगढ़ी इन हरियाणा ऑल्सो शोज ऑल थ्री फेजेज ऑफ द कल्चर. तो दो ये शहर, ढोलावीरा और राखीगढ़ी, और दो ये शहर बनावली और कालीबंगन. ये दोनों, अब इनके पॉइंट्स निकला है स्पेसिफिक, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. तो ये आप याद रख रही है ऐसी चीज़ें. हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर. तो हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट discovered in 1921 at the modern site of Harappa situated in the province of West Punjab in Pakistan. तो Harappa में सबसे पहले इसकी civilization की excavation हुई, तो इसको हम Harappan civilization भी कहते हैं. The central zone of this mature Harappan culture lay in Sindh and Punjab, mainly in the Indus Valley. तो Indus Valley जो थी हमने map में देखा था, वो इसका सेंट्रल जोन था. वहाँ से ये आगे फैला, कहाँ फैला, ईस्टवर्ड्स और साउथवर्ड्स. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम. कि
हम हड़प्पन कल्चर को कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस रीजन में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ऑब्जेक्ट्स मिले जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं और जो एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल के हैं, तो इसलिए हम इस पूरे रीजन को एक कल्चर भी डिनोट कर सकते हैं, हड़प्पन कल्चर। इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जो जिन ऑब्जेक्ट्स के बुनियाद पे हम इसको हड़प्पन कल्चर कहते हैं, वो है सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इन ऑब्जेक्ट्स में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में ये चीज़ें बहुत सिमिलर पाई गई हैं, तो हम उनको एक सिमिलर कल्चर का पार्ट मानते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, तो द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रिवील द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर। हमें कैसे पता चला कि एक अर्ली फेज था, एक मच्योर फेज था, एक लेटर फेज था? क्योंकि हमने आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस पाए हैं उनसे हमें डेट्स मिली हैं कि ये इस इरा को बिलोंग करता है, ये इस सेंचुरी को, ये इस सेंचुरी को, उससे हम कहते हैं कि ग्रेजुअली ये इवॉल्व हुआ। फोर इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, हम तीन की तो बात कर चुके हैं, एक प्री हड़प्पन फेज भी है। प्री हड़प्पन हमने कहाँ पे देखा था, अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड्स में, कालीबंगन और बनावली, इन दोनों जगह पे हमने देखा था जहां पे प्री हड़प्पन एविडेंसेस भी मिले हैं। द प्री हड़प्पन स्टेज इज लोकेटेड इन ईस्टर्न बालूचिस्तान एट साइट सच एज मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में प्री हिस्ट्री में देखा था मेहरगढ़। इन दिस स्टेज नोमैडिक पीपल बिगैन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। अगर आपको याद हो, हम न्यूलिथिक एक्सकवेशंस, न्यूलिथिक एज जब पढ़ रहे थे तो हमने मेहरगढ़ सुना था, तो मेहरगढ़ प्री हड़प्पन स्टेज को बिलोंग करता है। अर्ली हड़प्पन स्टेज पीपल लिव्ड इन लार्ज विलेजेस, अब वो विलेजेस बड़े होने लगे। इन प्लेन्स देर वॉज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स, अभी टाउन्स बन रहे हैं। इन द इंडस वैली ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। द साइट्स ऑफ अमरी एंड कोट दीजी, आपको याद हो तो मैप पे हमने ये साइट्स भी देखी थी, रिमेन द एविडेंस फॉर अर्ली हड़प्पन स्टेज। मच्योर हड़प्पन स्टेज में ग्रेट सिटीज लाइक हड़प्पा मोहनजोदारो इमर्ज्ड, एक्सकवेशन एट कालीबंगन विद इट्स इलेबोरेट टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर्स प्रूव दिस फेज ऑफ एवोल्यूशन। कि यहाँ पे अर्ली फेज में क्या हुआ, विलेजेस से टाउन्स बन गए थे, मच्योर फेज में टाउन से सिटीज बन गई और जिनमें एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग है, इलेबोरेट टाउन प्लानिंग है, प्रॉपर अर्बन फीचर्स आ गए कि घर किस साइज के होंगे, ब्रिक्स किस साइज की होंगी, टाउन कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा। तो ये इतनी इसमें ज़्यादा डिटेल्ड इलेबोरेट थी ये सारे कॉन्सेप्ट्स कि हम इसको एक मच्योर हड़प्पन स्टेज कहते हैं, कि सिविलाइजेशन का हाईएस्ट फॉर्म था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेट हड़प्पन स्टेज में डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्टेड, एक्सकवेशन एट लोथल रिवील द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, कि सिटीज ने डिके करना स्टार्ट कर दिया। अब टाउन प्लानिंग देखते हैं कि कैसे इनकी टाउन प्लानिंग थी, क्या इनकी टाउन प्लानिंग थी जो इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाकियों से डिस्टिंक्ट रखती है, और क्या वॉट वर दीज टाउन प्लानिंग विच वर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ दी मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले ग्रिड सिस्टम, कि हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ग्रिड आपका ये होता है, ये ग्रिड बन गया, स्ट्रीट्स एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनादर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स, दस डिवाइडिंग द सिटी इंटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। कि जो आपकी स्ट्रीट्स और लेन्स हैं वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट राइट एंगल पे मिल रही हैं और सिटी को सेवरल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री। अगर कोई चंडीगढ़ से फेमिलियर है तो चंडीगढ़ भी ऐसे ऑलमोस्ट सेक्टर्स में डिवाइडेड है, कि ये सेक्टर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ऐसे इस तरीके से। तो ये भी ग्रिड सिस्टम पे ही बेस्ड है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट आप कह लो 2500 BCE में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे थे वो ली कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ में आके 1950s में किया। और इसको हम पंडित नेहरू का ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं कि अर्बन लाइफस्टाइल एक इंडिपेंडेंट इंडिया में हो तो इस तरीके का हो। तो आप देखिए कि
2500 BCE की विजडम 1950 में यूज हुई, 4500 ईयर्स बाद हम आज हम यूज कर रहे हैं 4500 साल पुरानी विजडम। अब हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, तो इन सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आप सोचो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से कितना कुछ सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिटाडेल, हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल बिल्ट ऑन अ हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक ऑन द वेस्टर्न साइड। बिलो द सिटाडेल ऑन द ईस्टर्न साइड इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेज विच आर इनहैबिटेड बाई द कॉमन पीपल। वो कह रहे हैं कि वेस्ट में आपका एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, सिटाडेल है, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट नहीं उस टाइम पे जो भी उनकी पॉलिटी थी, ग्रेनरीज हो गई, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी कुछ अमीर लोगों के या कुछ उनके चीफ्स के घर, और यहाँ पे एक रिवलेट्स है और यहाँ पे आपका लोअर टाउन है जहाँ पे आम आदमी रहते हैं। तो ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, तो सिटाडेल भी था। आगे बर्नड ब्रिक्स, लार्ज स्केल यूज ऑफ बर्नड ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि बर्नड ब्रिक्स वो यूज करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेनियस जो बाकी सिविलाइजेशंस थी, मीजोपोटामिया और इजिप्ट, उनमें हम ये चीज़ नहीं देखते हैं। मीजोपोटामिया में बर्नड ब्रिक्स मिली बट बहुत ही कम एक्सटेंट तक, इजिप्ट में तो सिर्फ ड्राइड ब्रिक्स ही मिली हैं, बर्नड ब्रिक्स मिली ही नहीं है। तो दिस इज़ वन फीचर दिस विच सेट्स अपार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम इट्स कंटेम्परेनियस सिविलाइजेशंस। आगे देखते हैं ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स विच वर कवर्ड बाई स्टोन स्लैब्स एंड ब्रिक्स फॉर ईजी क्लीनिंग। तो हर घर स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ा हुआ है, ड्रेन कवर्ड है स्टोन स्लैब से ताकि वो या ब्रिक्स से ताकि उनकी क्लीनिंग ईजी हो जाए, उनके मैन होल्स उनको दिए गए हैं। इट शोज अ डेवलप्ड सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, समथिंग विच करंटली इन 2017 इंडिया इज फाइंडिंग हार्ड टू स्ट्रगल विद, कि 50% हम बात करते हैं कि ओपन डेफिकेशन है अपने कंट्री में। तो आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन 4500 ईयर्स अगो, अ डेवलप्ड सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन की हम बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक बाथरूम्स एंड ड्रेन्स इज रिमार्केबल। आज हमारी प्रॉब्लम है कि लोग डोमेस्टिक बाथरूम्स बनाते ही नहीं, जो बना रहे हैं वो यूज़ नहीं करते क्योंकि क्लीनिंग प्रॉब्लम्स हैं, कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्शंस है कि क्लीन करना बाथरूम्स को, लेटरिन्स को इज वेरी अ वेरी अनक्लीन जॉब। तो 4500 ईयर्स अगो ऐसा कुछ नहीं था। फिर लाइटिंग, लैम्प पोस्ट एट इंटरवल्स इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। हाउसेज ऑफन टू और मोर स्टोरी वेरीड इन साइज बट वर क्वाइट मोनोटोनस, अ स्क्वेयर कोर्टयार्ड अराउंड विच अ नंबर ऑफ रूम्स, नो विंडो फेस द स्ट्रीट्स, द हाउसेज हैड टाइल्ड बाथरूम्स। तो क्या है, दो स्टोरी या दो से ज़्यादा स्टोरी के भी घर हैं, डिफरेंट साइजेस के बट काफ़ी सिमिलर सी शेप के, कि स्क्वायर आपका कोर्टयार्ड है, उसके अराउंड आपके रूम्स हैं, ठीक है ऐसे, और नो विंडो फेस द स्ट्रीट्स, कि बाहर की तरफ कोई विंडो नहीं है, और हाउसेज हैड टाइल्ड बाथरूम्स। तो इस तरीके के उनके घर थे। अब इनको हम कुछ पिक्टोरियली भी देख लेते हैं। ये तो ग्रिड सिस्टम है जो मैंने बात करी थी इस चीज की, ये ग्रिड सिस्टम है टाउन प्लानिंग का, ये सिटाडल है, दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ द टाउन, दिस इज द ईस्टर्न साइड, ये लोअर टाउन है, इसको अपर टाउन भी कहते हैं। यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल, बाथ, ग्रीनरी, असेंबली हॉल, टेम्पल, सिटी वेल, कनाल, कनाल तो ये है आपका नंबर 7। तो ये बाकी जो 6 बिल्डिंग्स हैं ये इस अपर टाउन में है, सिटाडल में है, जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म पे है। ये ड्रेनेज सिस्टम है कि घर ड्रेनेज से कनेक्टेड है। ये उनके घर हैं, अ बिग हाउस फॉर अ रिच फैमिली,
ये आपके रूम्स आ गए, ये कोर्टयार्ड। तो ये पिक्टोरियली आपको समझने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स ऐड करी हैं। टाउन प्लानिंग में और कुछ देखते हैं। ग्रेट बाथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहिंजोदारो इज द ग्रेट बाथ, मेजरिंग 39 फीट इन लेंथ, 23 फीट इन ब्रेथ, 8 फीट इन डेप्थ। तो मोहिंजोदारो में हमने ग्रेट बाथ एक्सकवेट किया है, जो कि इस सिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस मानी गई है हिस्टोरियंस की तरफ से। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स एट आइदर एंड लीड टू सरफेस, नीचे उतर के आप सरफेस पे पहुंचते हो। साइड रूम्स हैं कपड़े बदलने के लिए, फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ये कैसे पता चला? एक्सकवेशन से। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल इन एन एडिशन रूम, साथ के एक रूम में एक वेल है जहाँ से पानी ड्रॉ होता है। एक आउटलेट है फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बाथ जहाँ से ड्रेन होता है पानी। इट मस्ट हैव सर्व्ड एज अ रिचुअल बेदिंग साइट। तो हमने सोचा कि ये उन्होंने ग्रेट बाथ बनाया क्यों, तो हिस्टोरियंस का इस चीज़ पे एक अंदाज़ा है कि शायद ये रिचुअल बेदिंग साइट थी। बहुत सारे जो जो सिखिज्म में गुरुद्वारा है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ना, लेक का सेंटर में एक लेक है विच इज़ सर्विंग एज अ रिचुअल बेदिंग साइट। तो आप उससे काफ़ी सिमिलर इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द ग्रीनरी। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहिंजोदारो इज अ ग्रीनरी मेजरिंग 150 फीट इन लेंथ एंड 50 फीट इन ब्रेथ। तो ग्रीनरी क्या है? बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद वो फूड ग्रेन्स स्टोर करते थे, शायद वो एक ग्रेनरी थी। हड़प्पा में हमें 6 ऐसी ग्रेनरीज मिली हैं, मोहिंजोदारो में एक ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ये याद रखिए, मोहिंजोदारो में एक ग्रेट ग्रेनरी और हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज, दो दो रूम्स की, तो 12 कमरे मिले हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखिए कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली, ग्रेट बाथ कहाँ मिला। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में और वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अच्छा मोहिंजोदारो था या हड़प्पा था। तो ऐसे क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री के 2 मार्क्स होते हैं। टू द साउथ ऑफ द ग्रेनरीज एट हड़प्पा ले वर्किंग फ्लोर्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एविडेंटली मेंट फॉर थ्रैशिंग ग्रेन। तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जिनसे हमें अंदाजा लगाया था शायद ये ग्रेन क्रश करने के लिए हैं। वीट और बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं वहां पे हमने जो एक्सकवेशन करी है, इसलिए हम अंदाजा लगाते हैं कि ये पक्का ग्रेन्स क्रश करने के लिए ही थे। एट कालीबंगन वी नोटिस ब्रिक प्लेटफॉर्म्स विच मे हैव बीन यूज एज ग्रेनरीज। तो मोहेंजोदारो में कुछ एविडेंस मिला है ग्रेनरी का, हड़प्पा में मिला है और कालीबंगन में मिला है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी तीन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में हमें ग्रेनरी के एविडेंस मिले हैं, तो ये तीन। तो ये है आपका ग्रेट बाथ, कहाँ पे था? मोहिंजोदारो। तो ये आपको ऐसे इमेजिन करने के लिए कि ग्रेट बाथ उनका था कैसा, ये ग्रेट बाथ था। ये वो सीढ़ियां हैं जहां से उतर के वो नीचे आ रहे हैं, टू हेल्प यू इमेजिन अंडरस्टैंड। ये ग्रेनरी हड़प्पा में, 6 रूम्स, दो दो रूम्स की 6 ग्रेनरीज। अब इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कुछ बात करते हैं। एग्रीकल्चर, वीट बार्ले वर द मेन क्रॉप्स बिसाइड्स सेसमी मस्टर्ड राइस एंड कॉटन। सरप्लस ग्रेन जो था कहाँ पे स्टोर करते थे? ग्रेनरीज में ऑफकोर्स। सीरियल्स वर रिसीव्ड एज टैक्सेस फ्रॉम पेजेंट्स, प्रॉबली हमारा अंदाज़ा है कि शायद वो सीरियल्स लेते थे पेजेंट से एज टैक्सेस और स्टोर करते थे फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस या एमरजेंसीज के लिए। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ट्रेसिस ऑफ कनाल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट ऑफ शोरतुघई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। बिसाइड्स वाटर रिजर्वॉयर्स आर फाउंड इन धोलावीरा गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट। धोलावीरा गुजरात में हमें क्या मिले? वाटर रिजर्वॉयर्स। तो ऐसे कोई ऑप्शन आ जाए कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे बन गया कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली, ग्रेट बाथ कहाँ मिला, वाटर रिजर्वॉयर कहाँ मिला, तो ये सब चीज़ें। इनकी आपको सिटीज़, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ों की सिटीज़ तो याद होनी ही चाहिए। मैच द फॉलोइंग आ सकता है इसका। मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, धोलावीरा का जो वाटर रिजर्वॉयर है। एनिमल रियरिंग, एनिमल्स लाइक पिग्स, शीप, गोट,
ऑक्सन बफलो डोमेस्टिकेटेड थी, कैट्स डॉग्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, ऑल्सो केप्ट एसेज एंड कैमल्स. द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फर्मली इस्टेब्लिश्ड, सम रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बिन रिपोर्टेड इन सुरकोटड़ा. तो इस पे डिबेट है कि ये हॉर्स था नहीं था, तो फर्मली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है. एलिफेंट्स वर वेल नोन, फेमिलियर विद राइनोसरस, अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड इंक्लूडिंग डियर. तो इन सब एनिमल्स से उनकी फेमिलियरिटी थी. तो ये सब भी आपको याद रखने हैं, कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि मान लो हॉर्स दे दें या वो बोलें काओ से फेमिलियर थे नहीं थे, बुल से फेमिलियर थे नहीं थे. तो ये सब आप एक उतना मुश्किल नहीं है याद रखना, तो याद रख लेना चाहिए कौन से एनिमल से फेमिलियर थे किससे नहीं थे. ट्रेड के बारे में बात करते हैं. इंटरनल फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली कंडक्टेड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान. कैसे पता चला? एविडेंस टू प्रूव ट्रेड लिंक्स बिटवीन इंडस एंड सुमेरियन पीपल, हमें सील्स मिली हैं. सील्स इंडस वैली की उधर जाके मिली हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि उनसे वो ट्रेड करते थे. सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बिन फाउंड इन मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया पोटामियन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अबाउट 2350 BC रेफर टू ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा, जो कि एंशियंट नेम ऑफ इंडस रीजन था. मेसोपोटामिया इराक, एंशियंट नेम ऑफ इराक. अ डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल. डॉकयार्ड किसके लिए? शिप्स के लिए, शिप्स बोट्स. किसके लिए? ट्रेड के लिए. तो डॉकयार्ड कहां पे डिस्कवर हुआ है? लोथल में. तो ये भी आप याद रखें, डॉकयार्ड डिस्कवर्ड एट लोथल. रंगपुर, सोमनाथ एंड बलाकोट फंक्शनड एज सी पोर्ट्स. सुटका गेंडोर एंड सुटको को फंक्शनड एज आउटलेट्स. लापिस लाजूली इंपॉर्टेंट, अ सेमी प्रेशियस स्टोन यूज्ड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान. ट्रेड वॉज ऑफ द बाटर टाइप, कि हमें करेंसी नहीं मिली है, बाटर ट्रेड का ही एविडेंसेस मिले हैं. द सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैली रिवील द यूज ऑफ बुलॉक कार्ट्स एंड ऑक्सन फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट. तो ट्रेड वाया लैंड भी हो रही है, वाया वाटर भी हो रही है. कैसे पता चल रहा है? कि जो उनके सील्स हैं या जो टेराकोटा मॉडल्स हैं उनसे हमें एविडेंसेस मिले हैं. आप एक देखोगे आगे जाके हम सील्स और टेराकोटा मॉडल्स की बात करेंगे. टेराकोटा मॉडल्स ऐसे मिले हैं कि दो बुल दो ऑक्सन हैं और पीछे उनको बैठ के कोई चला रहा है. जैसे कह लो 17th, 18th, 19th सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर के तरीके थे उसके टेराकोटा मॉडल्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं. स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी एग्जिस्टेड इन हड़प्पन कल्चर. द वेट्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, स्टेयरटाइट, जनरली क्यूबिकल इन शेप. 16 वॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. 16, 64, 160 और 320 के वेट्स मिले हैं. तो ये भी है कि बहुत ही सिस्टमैटिक उनका एक मेट्रिक सिस्टम था. एवरी मर्चेंट और मर्केंटाइल फैमिली प्रॉबेबली हैड अ सील बेरिंग एन एम्बलम ऑफन ऑफ अ रिलीजियस कैरेक्टर एंड अ नेम और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन वन साइड. तो सील्स एवरी मर्चेंट या मर्केंटाइल फैमिली का. स्टैंडर्ड हड़प्पा सील वॉज अ स्क्वायर और एन ऑब्लॉन्ग प्लेक मेड ऑफ स्टीयरटाइट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन. प्राइमरी पर्पज सील का था मार्क द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बट दे मे हैव ऑल्सो सर्व्ड एज एम्यूलेट्स. ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, की इंटरनल ट्रेड उनकी बहुत हाई थी. इंटरनल ट्रेड हाई. यहाँ पे हल्का सा मैं अगर आपको डिविएट करके इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँ, तो जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनका एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि नॉट ओनली डू दे ट्रेड, उनकी ट्रेड वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा है, उनकी इंटरनल ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है. तो आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम इंटरनल ट्रेड वेरी हाई की बात कर रहे हैं. तो दिस वॉज एज डेवलप्ड अ सिविलाइजेशन एज टुडे. कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, कि अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, उससे ज़्यादा शायद इकोनॉमिकली पावरफुल तो नहीं ही है कोई. तो उनकी इंटरनल ट्रेड ऑल्दो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकियों के हिसाब से उनकी कम है, बट एक डेवलप्ड इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक मार्क यही है कि उनकी इंटरनल ट्रेड बहुत हाई होती है. तो सेम चीज़ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख रहे हैं. तो आप इमेजिन करिए कि पहले टाउन प्लानिंग थी,
अब उनकी ट्रेड की बात हो रही है, एवरी फीचर, एवरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आ रहा है वो यही बता रहा है कि कितनी ज़्यादा एडवांस्ड, कितनी ज़्यादा डेवलप्ड वो सिविलाइजेशन थी। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या प्रेजेंट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, कि ब्रॉन्ज का यूज़ शुरू हो गया था, चाहे इंडिया में, ये इट प्री डेट्स दी कैल्कोलिथिक कल्चर। हड़प्पन स्कल्पचर रिवील्ड अ हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप, कि बहुत ही फाइन उनकी क्वालिटी थी अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। ऑर्डिनरीली ब्रॉन्ज वॉज मेड बाई द स्मिथ्स बाई मिक्सिंग टिन एंड कॉपर। सिंस नन ऑफ दीज टू मेटल्स वर इजिली अवेलेबल टू द हड़प्पन्स, ब्रॉन्ज टूल्स आर नॉट प्रोलिफिक, कि कॉपर और टिन को मिक्स करके वो ब्रॉन्ज बनाते थे, बट क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थे तो बहुत प्रोलिफिक अमाउंट ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलेंगे, बट ऐसा नहीं कि ब्रॉन्ज ही ब्रॉन्ज टूल्स हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ द ओर्स शो दैट कॉपर ऑब्टेन हुई कहाँ से, खेतरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। इट कुड ऑल्सो बी ब्रॉट फ्रॉम बलूचिस्तान। टिन वॉज ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो या तो कॉपर हमारा खेतरी कॉपर माइन से आ रहा था राजस्थान से या बलूचिस्तान से, और टिन आ रहा था अफगानिस्तान से। तो अगेन ये सारे रीजन्स हम बात कर चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं, तो इंटरनल ट्रेड, यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इंटरनल ट्रेड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दे प्रोड्यूस्ड इमेजेस एंड यूटेंसिल्स एंड टूल्स एंड वेपन्स सच एज एक्सेस, सॉज, नाइव्स एंड स्पीयर्स। किससे? ब्रॉन्ज से। तो ये हम आगे देखेंगे कि क्या उन्होंने ब्रॉन्ज से इमेजेस बनाई और कैसे बनाई। स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर्टिसंस जैसे गोल्ड स्मिथ्स, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स वर प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें थी, गोल्ड भी प्रेजेंट था, ब्रिक मेकर्स तो हम देख चुके हैं, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स भी थे। हमने देखा कि लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला था, तो डॉकयार्ड किसके लिए? बोट्स के लिए। तो बोट्स थी तो बोट मेकर्स, बोट बिल्डर्स भी थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स भी हम देख चुके हैं। तो ऐसे आपको कोरिलेट करके चीज़ें याद रखनी है। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर दी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दी हड़प्पन मेटल क्राफ्ट, कि ब्रॉन्ज और कॉपर के जो चीज़ें बनाई बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनके क्राफ्ट का एक बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन है। गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन ऑर्नामेंट्स भी हमें मिले हैं। तो ये जनरली एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है कि आपसे हम ऑप्शन दे दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी पाए गए, तो आप सोचते हो गोल्ड उस जमाने में कौन सा होगा, बट देन दिस बिकम्स इनकरेक्ट, कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स के भी हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं। बीड्स वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वाइड वराइटी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक अगेट, कार्नेलियन, लापिस लजूली। हाउ एवर कैरेक्टरिस्टिक हड़प्पन बीड्स आर एच्ड कार्नेलियन बीड्स। बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे मिली है? चन्नूदारू में और लोथल में। देवर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, की बीड्स बना के वो एक्सपोर्ट करते थे। बीड्स कैसी थी? आगे एक फोटो डाली है आपको दिखाते हैं। हड़प्पन्स ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग, हमने यहाँ पे देखा ये चीज़ तो, कि बोट मेकिंग तो करते ही थे वो। सील मेकिंग एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर वर इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट्स, सील मेकिंग और टेराकोटा मैन्युफैक्चर। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स में, और द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदारो मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज रिमार्केबल फॉर इट्स वर्कमैनशिप। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, जो डांसिंग गर्ल मोहेंजोदारो से एक्सकवेट हुई है, रिमार्केबल फॉर इट्स वर्कमैनशिप। इट्स राइट हैंड रेस्ट ऑन इट्स हिप वाइल द लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स हैंग्स लूजली इन अ रिलैक्स्ड पॉस्चर। तो मोहिंजदारो में जो डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है, जो ब्रॉन्ज इमेज मिली है, काफ़ी फेमस है। राइट हैंड रेस्ट ऑन द हिप, लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स, हैंग्स लूजली इन अ रिलैक्स्ड पॉस्चर। दो स्टोन स्टैचूज मिले हैं हड़प्पा से, वन रिप्रेजेंटिंग बैक व्यू ऑफ अ मैन एंड अदर ऑफ अ डांसर, और ऑल्सो स्पेसिमेंस ऑफ द स्कल्पचर।
तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट को दर्शाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉटरी फ्रॉम हड़प्पा इज अनदर स्पेसिमेन ऑफ द फाइन आर्ट्स। पॉट्स एंड जार्स वर पेंटेड विद वेरियस डिजाइन एंड कलर्स। पेंटेड पॉटरी इज ऑफ बेटर क्वालिटी। पिक्टोरियल मोटिव कंसिस्टेड ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन्स, सर्कल्स, लीव्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इसको मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, आगे सेपरेटली सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज इमेज की भी, उनकी पॉटरी की भी। तो वो उनकी ओवरऑल जो क्राफ्ट वर्क के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड साइट्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सोशल लाइफ देखते हैं। ड्रेस दोनों की मेन वुमेन, दो पीस ऑफ क्लॉथ, एक अपर गारमेंट एक लोअर गारमेंट। बीड्स दोनों पहनते थे, मेन एंड वुमेन। ज्वेलरीज जैसे बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, गर्डल्स, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स पहनी जाती थी। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी, कि गोल्ड भी था, सिल्वर भी, कॉपर भी, ब्रॉन्ज भी और सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी। वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स मेड ऑफ पॉटरी, स्टोन, शेल्स, आइवरी एंड मेटल भी पाई गई हैं मोहनजोदारो पे। स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्ब्स, फिश हुक्स, नाइव्स आर मेड ऑफ कॉपर। तो इतने सारे हमें रिमेन्स मिले हैं एक्सकवेट करके। चिल्ड्रंस टॉयज इंक्लूड टेराकोटा कार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ऑक्सन हैं जो एक बुलॉक कार्ट, दो बुलॉक्स हैं जो कार्ट चला रहे हैं, पीछे बैठा है जो कार्ट को ड्राइव कर रहा है, तो वो सब चिल्ड्रंस टॉयज ही थे। मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइस वर यूज फॉर गेम्स। हड़प्पन साइट्स इंडिकेट सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। कैसे, कि हमें पता चला है कि कुछ घर बड़े हैं, कुछ घर छोटे हैं, किसी के जो जो स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, जो बेरियल्स हैं, वो छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी का क्या है, किसी की पॉटरी भी साथ मिली है, कईयों के ऑर्नामेंट्स भी साथ मिले हैं। तो अगेन ये इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन ही है, कि कोई इतना ज़्यादा है कि अपने ऑर्नामेंट्स भी साथ लेके जा रहा है। तो ये बताते हैं कि सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन भी हड़प्पन कल्चर में प्रेवलेंट थी। बीड्स, ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स। हड़प्पन मैन वुमेन दोनों अपने आप को डेकोरेट करते थे विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो बनती थी प्रेशियस मेटल से, जेम स्टोन से, बोन्स से भी, बेक्ड क्ले से। नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, इनकी हम बात कर चुके हैं, ये दोनों सेक्सेस पहनते थे, मैन एंड वुमेन। वेल डेवलप्ड बीड इंडस्ट्री प्रेजेंट एट चन्नूदारो एंड लोथल। देवर कॉन्शियस ऑफ फैशन, सेवरल हेयर स्टाइल्स वर इन वोग एंड बियर्ड वॉज पॉपुलर। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगेन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है इस चीज़ से, कि अगर ऑप्शन आ जाए पेपर में कि देवर अ वेरी फैशन कॉन्शियस सिविलाइजेशन, तो आप बोलोगे नहीं, 4500 साल पहले कौन फैशन करता था, लेकिन दिस इज इनकरेक्ट। वेरी कॉन्शियस ऑफ फैशन, हेयर स्टाइल्स थे जो कुछ बहुत पॉपुलर थे, और बियर्ड पॉपुलर थी, हमें बियर्डेड प्रीस्ट भी एक मिला है अगर आपको याद हो तो, अगर सुनाओ उसके बारे में, तो बियर्ड वॉज ऑल्सो पॉपुलर। सिनाबार वॉज यूज एज अ कॉस्मेटिक, फेस पेंट, लिपस्टिक, आईलाइनर भी उन्हें पता थे। तो ये सारी चीज़ें जो हम आज मॉडर्न डे के साथ एसोसिएट करते हैं कि ये फैशन प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉस्मेटिक्स हैं, वो उस टाइम पे भी लोगों को पता थी और लोग उसका इस्तेमाल करते थे। एविडेंसेज ऑफ डेड बॉडीज बेरिड अलॉन्ग विद ऑर्नामेंट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। कि कुछ लोग अपने ऑर्नामेंट से इतना ही प्यार करते थे कि उनको बेरी भी उनके ऑर्नामेंट्स के साथ किया गया। तो ये वो हैं जो मैं आपको बता रहा था, ऑर्नामेंट्स, उनके बीड्स, तो ये आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कर पाएंगे कि अच्छा किस टाइप के वो फैशन सेंस रखते थे। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट पिक्टोग्राफिक। द नंबर ऑफ साइंस इज बिटवीन 400 एंड 600, जिनमें 40 या 60, हम 40 और 60 आर बेसिक एंड द रेस्ट आर वेरियंट्स। फिश सिंबल इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोग्राफ्स, कि फिश सिंबल सबसे ज्यादा पाया गया है। मोस्ट ऑफ द पिक्टोग्राफ्स अपीयर ऑन सील्स, कि सील्स में ही वो उनके जो भी उनकी स्क्रिप्ट थी, जो भी हम अल्फाबेट्स कहते हैं, या जो भी पिक्चर्स थी, जिस चीज़ को भी वो डिनोट करती थी, वो पिक्चर्स हमें सील्स पे मिली हैं। द स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि आपने अपने जो भी आपका पेपर है, स्क्रीन है, राइट से स्टार्ट किया, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मच लाइक उर्दू, उर्दू भी राइट से लेफ्ट को लिखी जाती है।
For long writings, the Boustrophedon method, writing in the reverse direction in alternate lines, was adopted. Boustrophedon क्या होता है कि आपने राइट से शुरू किया, राइट से शुरू करके आप लेफ्ट जा रहे हैं, और लेफ्ट पे जैसे ही आपका टेक्स्ट खत्म हुआ, आप देन नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और फिर तीसरी लाइन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि राइट से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट को जा रहे हैं, लेफ्ट पे वो सेंटेंस खत्म हुआ, वो लाइन खत्म हुई, तो अगली लाइन लेफ्ट से ही शुरू हो रही है, उसी के नीचे आप आ गए हैं एंड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऑल्टरनेट तरीके में. हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज स्टिल टू बी फुली डेसिफर्ड. हमें अभी तक पता नहीं है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है, पूरी तरह उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं. कैसी थी उनकी स्क्रिप्ट? ये चीज़ है, पिक्चर्स हैं, कुछ तो हमने डिसिफर करी है, लेकिन अभी पूरा अंदाज़ा नहीं है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट का एक्चुअली में क्या डिनोट करती है, क्या उनके मीनिंग्स हैं. तो पिक्टोग्राफिक एक स्क्रिप्ट अगर आप देख सकते हैं तो. सील्स, अबाउट 2000 सील्स हमें मिली हैं, और मजॉरिटी ऑफ देम कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस विद पिक्चर्स ऑफ द वन हॉर्न्ड बुल या बफलो, टाइगर, राइनोसरस, गोट्स, एलिफेंट्स. तो कुछ कुछ तो इंस्क्रिप्शंस हैं जो उनकी स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, कुछ कुछ तो वो बनी होती हैं, दो तीन चार, और कोई ना कोई एनिमल साथ में बना होता है. सील्स आर मेड ऑफ स्टियोटाइट सॉफ्ट स्टोन, साइज आधे इंच से लेके 2.5 इंच तक, और या तो स्क्वायर हैं कार्व्ड एनिमल और इंस्क्रिप्शन के साथ, या रेक्टेंगुलर हैं जिन पे इंस्क्रिप्शंस ही हैं. तो ये सबसे कॉमन शेप्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी और टाइप की सील नहीं मिलेगी, बट ये सबसे कॉमन शेप्स हैं सील्स की. हम्पलेस बुल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड एनिमल. ये आप याद रखिए, कौन सा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड एनिमल? हम्पलेस बुल. पीछे अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि फिश भी सबसे ज़्यादा एक सिंबल पाया गया है, कहाँ पे? स्क्रिप्ट में उनकी. तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. पर्पज ऑफ सील्स वॉज प्रॉबेबली टू मार्क ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी ये दर्शाता है कि ये सील. तो कैसी थी सील्स? एक एनिमल और कुछ स्क्रिप्ट, अगेन एनिमल और स्क्रिप्ट, एनिमल और साथ में स्क्रिप्ट. तो ये तो आपकी स्क्वेयर सील्स हैं, थोड़ा सा शायद वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, बट ये ऊपर वाली स्क्वेयर है, नीचे वाली आपकी रेक्टेंगुलर सील है. तो दो ही शेप्स हमने देखी, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ज्यादा पॉपुलर थी. टेराकोटा फिगरिंस की बात करते हैं. मेनी फिगरिंस मेड ऑफ बेक्ड अर्दन क्ले हमें मिले हैं, बेक्ड अर्दन क्ले को हम टेराकोटा कहते हैं. मजॉरिटी हैंड मॉडल्ड हैं. मेल एंड फीमेल फिगरिंस दोनों मिली हैं, और रेंज ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स भी मिले हैं जो टेराकोटा के बने हुए हैं. मंकीज, डॉग्स, शीप, कैटल, हम्प्ड बुल, हम्पलेस बुल, ये सब भी हमें टेराकोटा फिगर्स के फॉर्म में मिले हैं. ईदर यूज एज टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, जैसे हमने बात करा कि वो कार्ट्स जो थे वो चिल्ड्रंस टॉयज थे. टेराकोटा इमेजेस रिप्रेजेंट अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क, कि ऐसे ही किसी ने बना दिया, बहुत ज़्यादा रिफाइंड आर्ट आर्ट नहीं है वो. सील्स और इमेजेस जो बनती थी वो काफ़ी स्किल्ड होती थी, तो ये भी एक दर्शाता है कि सोशो इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन था मे बी, कि आम आदमी के लिए अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क और अमीर आदमी के लिए सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क. टेराकोटा फिगरीन्स जैसे ये एक, वो आप इन्हीं के अगर पीछे कार्ट भी लग जाता था जो यहाँ पे इस इमेज में टूटा हुआ है, सेकंड वाली इमेज में. तो ये कुछ आपके टेराकोटा फिगरीन्स हैं कि मैन वुमेन भी हैं और एनिमल्स भी हैं. इमेजेस मेटल और स्टोन दोनों की इमेजेस, ब्रॉन्ज इमेज जो बनी एक न्यूड वुमन की, एक न्यूड वुमन डांसर की, मोहनजोदारो में एक्सकवेट हुई, बहुत फेमस है. स्टोन इमेज जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो बियर्डेड मैन का है. कौन सी हैं वो इमेजेस? ये बियर्डेड मैन जो स्टोन का, और ये ब्रॉन्ज में जो डांसिंग गर्ल हमें मिली है. हमने बात करी थी पहले भी कि राइट हैंड ऑन द हिप, लेफ्ट हैंड में सिर्फ उसने बैंगल्स एमुलेट्स पहने हुए हैं और कोई क्लॉदिंग ऑन द बॉडी नहीं है. लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अब ये जो ब्रॉन्ज इमेज बनी ये बनी कैसे? कि सबसे पहले हम क्या करते थे, वैक्स का फिगर बना लेते थे और वैक्स फिगर को एक क्ले की कोटिंग से कवर कर देते थे और क्ले को ड्राई होने देते थे. अब नीचे वैक्स है, ऊपर क्ले का कोट कर दिया है, अब वो क्ले ड्राई हो गया है, तो हम क्या करेंगे, क्ले का जो कोटिंग है उसके नीचे छोटा सा एक होल कर देंगे और उसको हीट करेंगे. अब हीट करेंगे तो अंदर की जो वैक्स है वो मेल्ट हो गई, और वो मेल्ट हो गई तो वो उस छोटे से होल से बाहर आ गई, और उस होल से अब हम मोल्टन ब्रॉन्ज भर देंगे. तो मोल्टन ब्रॉन्ज जब भर दिया और वो
सॉलिडिफाई कर गया मेटल, तो जो बाहर क्ले की आपकी कवरिंग है उसको तोड़ देंगे, तो अंदर से जो चीज निकल आई वो ब्रॉन्ज की निकल आई। तो ये है कि पहले वैक्स फिगर, उसको क्ले से कोट कर दिया और ड्राई होने दिया, फिर उसको हीट करके मोल्टन वैक्स बाहर निकाल दी, और उसी छोटे से होल से हमने ब्रॉन्ज या कोई भी अंदर मेटल भर दिया, और जब मेटल कूल हो गया तो क्ले को हटा दिया। एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल जो हमने पीछे अभी इमेज देखी वो इसी तरीके से बनी है। पॉटरी की बात करते हैं, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉटर्स व्हील। हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि इनिशियली कल्चर में हैंडमेड पॉटरी आई, फिर पॉटर व्हील भी आ गया, इसमें वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉटर्स व्हील देखते हैं हम। पेंटेड विद वेरियस कलर्स, की सेवरल कलर से वो अपनी पॉटरी को पेंट कर रहे हैं। डेकोरेटेड विद ह्यूमन फिगर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्लेज्ड पॉटरी, हड़प्पन ग्लेज्ड पॉटरी वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ये चीज आप याद रखिएगा। बोथ प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी वर प्रेजेंट, तो इधर और नहीं है, दोनों ही हमने एक्सकवेट किए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के इरा से, प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी, बट प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन। प्लेन पॉटरी इज रेड इन कलर एंड पेंटेड पॉटरी इज रेड एंड ब्लैक कलर। तो ये कुछ इमेजेस हैं पॉटरी के लिए, पेंटेड पॉटरी, ये इनमें आप कुछ प्लेन पॉटरी भी देख पा रहे हैं, अगेन कलर्ड पॉटरी, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न कह लो इसको, तो अगेन एनिमल्स से पेंट करी हुई पॉटरी, तो कुछ इस टाइप की पॉटरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। रिलीजन बात करते हैं कि रिलीजियस बिलीव्स क्या थी उनकी, सील्स, टेराकोटा फिगरीन्स और कॉपर टेबलेट्स, उनसे हमें आइडिया होता है कि उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति, जिसको हम प्रोटो शिवा कहते हैं, रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, एक योगिक पोस्चर में बैठे हैं, थ्री फेसेस एंड टू हॉर्न्स, तीन तरफ उनके मुंह हैं और दो सिंग निकले हुए हैं, टू हॉर्न्स, सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफलो, जो चारों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, और दो डियर हैं जो उनके पैरों के पास बैठे हैं, टू डियर अपियर ऑन हिज फीट। तो ये तो चीफ मेल डीटी हैं। चीफ फीमेल डीटी हैं मदर गॉडेस, रिप्रेजेंटेड इन टेराकोटा फिगरीन्स, ऑल्सो इंडिकेशन दैट फैलस लाइक स्टोन्स वर वर्शिप्ड, फैलस क्या है, मेल जेनेटल्स। न्यूमरस स्टोन सिंबल्स ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि योनि वर्शिप हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। तो फैलस, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मदर गॉडेस एंड पशुपति, ये इनकी रिलीजियस बिलीव्स हैं। आगे कुछ और भी हैं, मैनी ट्रीज, पेपल ट्री, एनिमल्स सच एज बुल, बर्ड्स एंड स्टोन्स वर वर्शिप्ड, यूनिकॉर्न वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड, हाउ एवर नो टेम्पल, टेम्पल नहीं हमें मिला है, ऑल्दो ये आइडोलेट्री प्रैक्टिस करते थे कि किसी चीज़ का आइडल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगर है उसको वर्शिप कर रहे हैं, बट टेम्पल्स नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि टेम्पल्स नहीं पाए गए बट आइडोलेट्री पाई गई। एट कालीबंगन एंड लोथल फायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड, दे बिलीव्ड इन ईविल फोर्सेज एंड यूज्ड एम्यूलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है। और कुछ देखते हैं, कुछ इमेजेस, ये वो प्रोटो शिवा है जिसकी हम बात कर रहे थे, दो सिंह हैं, तीन तरफ मुंह हैं अगर आप देख पाएं, चार एनिमल्स हैं और दो डियर उनके फीट पे अपीयर होते हैं, एंड दिस इज द मदर गॉडेस, टेराकोटा फिगर है ये मदर गॉडेस की। तो ये बस आप फोटो देख लेंगे, याद रख पाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उनके बरियल मेथड्स की बात करते हैं, सिमेट्रीज डिस्कवर की गई हैं सिटीज के थोड़े आउटस्कर्ट्स में, मोहिंजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, थ्रो लाइट ऑन दी बर्गल प्रैक्टिसेस, जनरली लोकेटेड अराउंड दी पेरीमीटर ऑफ द सेटलमेंट्स, की सिटी के अराउंड आउटस्कर्ट्स पे पाई गई हैं जो सिमेट्रीज हैं। तीन फॉर्म ऑफ बरियल पाए गए हैं, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल और पोस्ट क्रिमेशन बरियल, कि कंप्लीट बरियल पूरा ही बैरी कर दिया, फ्रैक्शनल की कुछ बोन्स बैरी करी, बोन्स जब जिनको वाइल्ड बीस्ट और बर्ड्स पे छोड़ दिया गया था। तो ये काफ़ी सिमिलर टू पारसी बरियल है, पारसीज भी ऐसे ही करते हैं कि छत पे डेड बॉडी रख देते हैं, देन द बर्ड्स वल्चर्स कम एंड ईट दैट डेड बॉडी एंड देन इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। तो सिमिलर फ्रैक्शनल बरियल ही इनका है कि कुछ बोन्स हैं जिनको एक्सपोजर टू वाइल्ड बीस्ट और बर्ड्स के बाद बरी कर रहे हैं। पोस्ट क्रिमेशन बरियल की क्रिमेट कर दिया फिर बरियल कर रहे हैं, हमने फायर ऑल्टर्स का तो देखा ही है पीछे।
जनरल प्रैक्टिस क्या थी? एक्सटेंडेड इन्ह्यूमेशन। एक्सटेंडेड मतलब पूरा, कि बॉडी आपकी सीधी लिटाई गई है। तो वो सीधी लिटाई हो सकता है कि बैक पे हो सकता है फेस पे हो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें मिले हैं रिमेन्स, वो ये कहते हैं कि बॉडी अपनी बैक पे लिटाई जाती थी। कंप्लीट एक्सटेंडेड मतलब पूरी बॉडी लिटाई गई है, फोल्ड नहीं, टांगे फोल्ड नहीं करी, बाजू फोल्ड नहीं करी, कंप्लीट एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंडेड इन्ह्यूमेशन कहते हैं। The most common method, extended burial, body on its back and head in the north direction. इसके हमें remains मिले हैं। और evidences क्या मिले हैं burials के बारे में? Complete burial और post cremation burial के मिले हैं मोहनजोदारो से। लोथल में हमें एक burial pit मिली है lined with burnt bricks, indicating the use of coffins. Practice of pot burials is found at Lothal, sometimes with pairs of skeleton, जिसमें double burial जिसको हम कहते हैं कि एक male और एक female skeleton पाया गया है एक single grave में। कहाँ पे पाया गया है? Lothal में। Wooden coffins also found at Harappa. तो ये जो cities हैं, आप इनको याद रख लेना कि Lothal में आपको double burial मिला, मोहनजोदारो में complete burial और post cremation burial मिले। उतना detail में आपसे पूछेंगे नहीं, but if you can just remember this, you'll feel really confident going into the exam कि आपको सारी चीज़ें याद हैं। Burial methods की कुछ images, ये देखिए extended inhumation, कि skeleton आपका सीधा पड़ा है और head facing north है और अपनी back पे है body। तो यही उनके burial methods थे। अब कुछ distinguishing factors हड़प्पा और बाकी West Asian civilization में, जैसे Mesopotamia और Egypt। तो टाउन्स प्लान्ड ऑन अ चेस बोर्ड सिस्टम, हमने ग्रिड सिस्टम की जो बात करी, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज पाइप्स, सेसपिट्स। मेसोपोटामियन सिटीज़ काफ़ी हैपजर्ड ग्रोथ शो करती हैं, जबकि हड़प्पा में हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ हैं वेरी वेरी वेल प्लान्ड सिटीज़ हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर हाउसेज, ब्रिक लाइंड बाथरूम्स एंड वेल्स, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, स्किल इन द यूज़ ऑफ बर्नड ब्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं भी हमें वेस्टर्न एशिया में नहीं मिली हैं। इंडस वैली में अपनी ही एक टिपिकल स्क्रिप्ट थी, अपनी ही एक कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी और सील्स थी। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप उनको, इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन को, वेस्ट एशियन सिविलाइजेशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब डिक्लाइन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का? कोई एक यूनानिमस व्यू तो नहीं है कि इसी वजह से डिक्लाइन हुआ, अंदाजे हैं अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग। तो देखते हैं कुछ थ्योरीज। एक तो कहते हैं कि रेनफॉल डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो इफेक्ट हुए। ठीक है, प्लॉजिबल है, हो सकता है। एक थ्योरी ये है कि सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज कर गई ड्यू टू जो राजस्थान में जो नेबरिंग डेजर्ट था वो एक्सपैंड किया, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गई। फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गई तो अगेन सिविलाइजेशन कैसे ही सपोर्ट करेगा वो। एक थ्योरी ये है कि सडन सब्सिडेंस हुई या अपलिफ्ट हुआ अर्थ का, जिसकी वजह से एक फ्लैश फ्लड आ गया और पूरी सिटीज़ को, पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर गया। एक है कि अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से इंडस रिवर का कोर्स चेंज हो गया तो रिवर बैंक्स पे जो सिटीज़ बनी थी वो सिटीज़ डिक्लाइन कर गई। एक है कि एपिडेमिक आउटब्रेक हो गया कि सब बीमारी से ही मर गए। एक है कि डिक्लाइन ऑफ ओशनिक ट्रेड हो गई। अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेड होगा तो सिटीज़ या सिविलाइजेशन कैसे सस्टेन हो पाएगी? तो ये भी एक थ्योरी है, कोई यूनानिमस व्यू नहीं है। एक थ्योरी और है, वो थ्योरी है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, कि स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी ही डिक्लाइन कर रही थी और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिसको कहते हैं कि आखिरी कील, किसने ठोका? आर्यन इन्वेजन ने ठोका। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स इन मैंशनड इन ऋग्वेदा, ऑल्सो डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर एट मोहनजोदारो इंडिकेट्स दैट द सिटी वॉज इन्वेडेड बाई फॉरनर्स। तो क्यों कहते हैं हम आर्यन इन्वेजन हुआ? एक तो ये कि आर्यन के टाइम पे जो ऋग्वेदिक कॉम्पोजिशन है, ऋग्वेदा में लिखा गया है कि उन्होंने फोर्ट्स डिस्ट्रॉय किए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स मैंशनड है। तो कौन से फोर्ट्स? ये अंदाजा है कि शायद इंडस वैली के फोर्ट्स। एक ये कि मोहनजोदारो में हमें एविडेंस मिला है कि बहुत सारे स्केलेटन्स इकट्ठे पड़े हैं, तो हमें लगता है शायद किसी इन्वेडिंग आर्मी ने बहुत सारे लोगों को मारा जिनके बहुत सारे इकट्ठे से हमें स्केलेटन्स मिले। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। अब क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आजकल बहुत नए नए तरीके से पूछ रहे हैं UPSC। आपको ऑप्शन दे सकते हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, कुछ सील्स के बारे में,
टेराकोटा फिगरिंस के बारे में, ट्रेड के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, किसी भी चीज़ के ऊपर, टाउन प्लानिंग के बारे में ऊपर कुछ दो तीन ऑप्शंस दे दी और आपसे पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। इंडस वैली को हड़प्पा से कुछ, सॉरी हड़प्पा को वेस्टर्न एशियन सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन थी उनसे कंपेयर करके कुछ पॉइंट दे दिया और पूछ लिया कि बताओ कि किस चीज़ का एविडेंस कहाँ पर मिला। तो ये आपको दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ें हड़प्पन के सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इस तरीके से वेस्ट एशियन से डिफरेंट है। तो जितना भी आपने अभी तक हड़प्पन के बारे में पढ़ा है बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, याद रखना, ढंग से सुनो, एक बार अच्छे से पढ़ लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, सिंपल चीज़ें हैं, भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन आजकल इतने कंटेम्प्रेरी हो गए कि मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग थी उससे हम आज क्या सीख सकते हैं। तो टाउन प्लानिंग के बारे में हमने कितने सारी चीज़ें देखी कि ग्रिड बेस्ड उनके स्ट्रीट्स थी या उनके टाउन्स थे, ड्रेनेजेस थी, घरों में बाथरूम्स थे, ग्रेनरीज थी, ग्रेट बाथ्स था, ये सारे टाउन प्लानिंग के ही एस्पेक्ट्स हैं। तो आज से हम कैसे रिलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा फोकस कर रही है स्मार्ट सिटीज़ बनाने के ऊपर, तो स्मार्ट सिटीज़ क्या हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमने सिटीज़ देखी उनसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ तो क्या ही होंगी, प्रॉपर सैनिटेशन है, प्रॉपर घर हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट्स हैं, ऐसे हैपजेड टाउन नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपका टाउन एक्सपैंड कर रहा है, जो कि हम आजकल जितने भी हमारे अर्बन सेंटर्स हैं चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो वहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं देखते। जैसे गुरुग्राम जो है वो बहुत एक टिपिकल एग्जांपल है, बेंगलुरु एक टिपिकल एग्जांपल है कि सिटीज़ की कितनी हैपजेड ग्रोथ हुई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे स्मार्ट सिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज स्मार्ट सिटीज़ बना रही है उनसे सीख सकती है। तो आप दोनों को कनेक्ट करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हम स्वच्छ भारत पे कितना फोकस कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने घरों में बाथरूम्स बनाओ, उसको यूज़ करो, ओपन डेफिकेशन मत करो, उस टाइम पे लोगों को इस चीज़ की समझ थी। तो इस तरीके से आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स को पुराने टाइम से रिलेट करके अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। एनरिच ही नहीं, जबकि आजकल तो यूपीएससी क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछ रहा है कि पुरानी चीज़ को ही उठाएंगे और उसको पूछेंगे कि करंट तरीके से कैसे लिंक करें, और यही आपको एग्ज़ाम में खुले दिमाग से आंसर करना है। बहुत ही मोनोटोनस, बहुत ही स्टैटिक नहीं रहना है, डायनेमिक रहना है, डायनेमिक रहना है, अपनी आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बहुत डायनेमिक तरीके से यूज़ करना है, उसी से ही आपके मार्क्स आएंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।